कि ABS यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि तो बाइक देखने में काफी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे ब्लैक और जो क्रोम एक्सेंट्स का यूज किया गया है वो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे सामने आप प्रेजेंट ऑल न्यू हीरो की सुपर स्प्लेंडर का बिल्कुल ही न्यू यहाँ पे कैनवस एडिशन ब्लैक कलर में, जो कि काफी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। फुल ब्लैक कलर में आपको ये बाइक अब मिल रही है, ये बिल्कुल ही न्यू 2022 वाला वेरिएंट है। तो अभी फ्रेंड्स आप राइट हैंड साइड से बाइक को देख रहे हैं, काफी कुछ कंपनी ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो अगर आप भी एक न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे यहाँ पे 2022 में 125 cc सेगमेंट में, तो आप आज के इस वीडियो को देख ले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है फ्रेंड 78,680 रुपीज के अप्रॉक्स में, और ऑन रोड की बात करते हैं तो ऑन रोड हमारे एरिया में इसका जो प्राइस जा रहा है वो जा रहा है 93,464 रुपीज के अप्रॉक्स में। और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं फ्रेंड्स गुरु कृपा ऑटो में, जो कि धनबाद में है। तो अगर आप धनबाद एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम में आके कांटेक्ट कर सकते हैं इस बाइक के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक में मिल जाता है, क्रोम एक्सेंट्स का कंपनी ने यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे आपको 3D में लोगो मिल जाता है हीरो का बैक में, जो कि बिल्कुल ही न्यू लोगो है। और यहाँ पे आपको i3S की बैजिंग जो है वो मिल जाती है। प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन का आपको फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो ग्राफिक्स देखने को मिलता है, और क्रोम में फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आपको सुपर स्प्लेंडर का जो बैजिंग है वो 3D में मिल जाता है, और साइड लुक कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे अगर आप एग्जॉस्ट को देखते हैं तो एग्जॉस्ट मफलर आपको क्रोम में कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और फ्रंट में यहाँ पे आपको हीरो का लोगो मिल जाता है 3D में, जो कि इसी में इम्बेडेड है, और क्रोम एक्सेंट्स का यूज़ आपको फ्रंट में भी देखने को मिलेगा। बाकी इंडिकेटर्स जो है वो कंपनी आपको बल्ब में ही प्रोवाइड कर देती है, जो कि यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स है। और लाइट्स यहाँ पे आपको हेलोजन में ही देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्रेंड्स कंपनी आपको एलईडी में लाइट्स नहीं प्रोवाइड करती है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या इसमें एलईडी लाइट्स आएगा, तो फ्रेंड्स अभी तक कंपनी ने यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। हो सकता है इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है, बट अभी फिलहाल में फ्रेंड्स वो अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पे 80x100 का 18 इंच का आपको टायर जो है वो मिल जाता है, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है CBS के साथ। यहाँ पे फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाता है, जो कि रिफ्लेक्टर्स के साथ आ रहा है। और फ्रेंड्स फ्रंट लुक कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे बाइक का लेफ्ट हैंड साइड से। इस साइड से बात करते हैं तो आपको 5-speed गियरबॉक्स का सेटअप मिल जाता है। इंजन सेम है फ्रेंड, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है ग्लैमर में भी, तो वही 125 cc का आपको इंजन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी मीटर की अगर बात करते हैं तो मीटर आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे अनलॉक प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, टाइम शो कर देता है, एवरेज शो करेगा फ्रेंड्स। इस साइड में हीरो का लोगो, न्यूट्रल का लाइट, i3S का लाइट, और इंजन माल फंक्शन का आपको लाइट मिल जाता है। बाकी ABS यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि फ्रेंड्स उस मटेरियल का नाम है ABS, इसमें आपको ABS नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रेंड्स बिल्कुल ही न्यू चार्जिंग पोर्ट, जो कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्प करेगा फ़ोन वगैरह चार्ज करने में। और बाकी इस साइड में आपको i3S का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे सेल्फ कंपनी दे रही है। इस साइड में हाई बीम लो बीम मिल जाता है आपको, पास यहाँ मिल रहा है आपको, और हॉर्न आपको हम सुना देते हैं तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे हॉर्न जो है वो मिलता है। इस साइड से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है, सीट का लेंथ भी अच्छा खासा है। तो कंफर्ट के मामले में फ्रेंड्स सीट जो है इसका काफ़ी अच्छा रहता है 125 cc सेगमेंट के हिसाब से। तो अगर आप भी फ्रेंड्स एक कंफर्टेबल बाइक लेने का सोच रहे थे तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हीरो का आपको बैजिंग जो है वो मिल जाता है, साड़ी गार्ड कंपनी दे रही है, और यहाँ पे कवर्ड में आपको चेन जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर देती है। अगर इस साइड से हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो टायर्स है वो MRF का ही मिलता है रेयर में, और 90x90 का आपको यहाँ पे टायर मिल जाता है। 18 इंच के अलॉय व्हील पर ये माउंट है, और कुछ ऐसा लुक्स आपको मिल रहा है बैक से। तो बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे ब्लैक और जो क्रोम एक्सेंट्स का यूज़ किया गया है वो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी एक लोगो आपको यहाँ मिल जाता है हीरो का। ओवरऑल में इंजन वगैरह सेम है, बस जो भी है यहाँ पे कलर में ही चेंजेस किया गया है, जो कि बिल्कुल ही न्यू कलर है। और ये जो है देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जिन्हें कि ब्लैक कलर जो है वो काफ़ी पसंद आता है। पर्सनली मुझे भी जो है वो ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देख के ज़रूर से बताएं कि ये बाइक आपको कैसी लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।